स्टूडेंट्स, ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली 10th के या 12th क्लास के बोर्ड्स को दिया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको देखना है जो 10th क्लास के बच्चे थे, उन्हें तो बड़ा सोच समझ के एक डिसीजन लेना है अपने कैरियर में कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। उस दिशा के अंदर आखिर क्या उनका मोटिव है, जैसे अगर वो नॉन मेडिकल ले रहे हैं, मेडिकल ले रहे हैं, तो उनका ड्रीम MBBS है, BMS है, वेटनरी है, BSc एग्रीकल्चर है, या रिसर्च के अंदर जाना है। ऐसे अगर नॉन मेडिकल की बात करते हैं, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप IIT में जाना चाहते हैं, CUET एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर उसके लिए जो शुरुआत है वो अभी से होगी जब आप 11th क्लास के अंदर अपनी स्ट्रीम को डिसाइड करेंगे और अपने कैरियर को उसको सेट करेंगे। और जो 12th के एग्जाम दे चुके हैं उन बच्चों के लिए जरूरी है अगला अहम कदम जो है उनके लिए अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन। तो दोनों ही चीजों के लिए आवर्स एकेडमी आपके साथ खड़ी है। जो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ अपने कैरियर को की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, आप आवर्स एकेडमी आए, अपनी कैरियर काउंसलिंग आप पहले कराएं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जिनको जानकारी कम होती है और वो गलत फैसले लेते हैं। ऐसे ही 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए कई तरह के क्रैश कोर्स अभी चल रहे हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, चाहे वो आपका BSc एग्रीकल्चर हो। अब जैसे नीट और IIT के एग्जाम हो चुके हैं, पर हमें भी घर पे नहीं बैठ जाना है, हमें अभी भी अपने सारे एग्जाम्स को देना है ताकि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। इसके अंदर आवर्स एकेडमी आपके साथ है, तो आप आवर्स एकेडमी आएं और जानकारी लें। धन्यवाद।